मंत्री मुकेश सैनी को लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने उनसे जो बात कहा था वह बिल्कुल सही कहा था और उनको इस बात का अफसोस है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बात को नहीं माना था। मुकेश सैनी ने खुद कहा कि अब एनडीए की तरफ से उन्हें बाहर कर दिया गया है और अब वे एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने में जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ गठबंधन में रहते हुए किया गया है उससे इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल आसान है। अब इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की चल रही है कि मुकेश सैनी जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं और बार बार लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वह भविष्य में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राजनीति करेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर भविष्य में मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। राजनीति को समझने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक बार आपके समाज का आपके प्रति सहानुभूति हो जाए तो फिर राजनीति में आप अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं। और मुकेश सैनी मौजूदा वक्त में जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं उसे लगता है कि वह सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है और कुछ लोग तो इसे कामयाब होता हुआ भी बता रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टोर ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। मुकेश सैनी ने कहा कि हम ताकत बढ़ाने अपना यूपी गए थे। उन्होंने कहा कि हम वहां पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ रहे थे और केवल हम नहीं बल्कि एनडीए के गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ उसने अपना उम्मीदवार उतारा था। उन्होंने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश जाना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का मतलब उनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से था। जब मुकेश सैनी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में वे अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश सैनी पर हमलावर हो गए और उसके बाद से ही लगातार कहा जाता रहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होने का इंतजार है और जब उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम आ जाएगा उसके बाद मुकेश सैनी एनडीए से बाहर हो जाएंगे और उनका मंत्री पद भी चला जाएगा। फिलहाल मंत्री पद तो नहीं गया है, लेकिन मुकेश सैनी खुद से इस बात को कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीने में जिस प्रकार से हमारे साथ सुलूक किया गया है उससे इस बात का अंदाजा लग सकता है कि हमें एनडीए से बाहर कर दिया गया है। मुकेश सैनी कहते हैं कि हमारा यूपी जाना किसी को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जदयू से कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है। मुकेश सैनी को लगता है कि जदयू से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आंख से आंख मिलाकर सवाल नहीं पूछ रहा है। सवाल केवल उनसे पूछा जा रहा है और उनसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वे कमजोर है। उन्होंने कल फेसबुक लाइव में कहा कि जदयू बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो मजबूत स्थिति में है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से सवाल नहीं पूछ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। और उन्होंने खुद को लेकर कहा कि हम कमजोर हैं इसीलिए हमको दबाया जा रहा है और हम अपने समाज की बातों को आगे रख रहे हैं। हम अपने समाज के बारे में कह रहे हैं कि हमारे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए हमको बार बार दबाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हम पर हमला बोल रहे हैं और अब हमें एनडीए से बाहर कर दिया गया है। मुकेश सैनी अब लगातार अपने समाज पर दांव लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त जिस बात को कहा था उसको नाम मानना हमारी सबसे बड़ी भूल रही। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चार चार मंत्री बनाए जाने का ऑफर दिया गया था, मतलब कि अगर राजद सरकार में आ जाती तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते तब विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश सैनी के पार्टी के कोटे से चार विधायकों को मंत्री बनाया जाता। इसके अलावा मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता। यह बात मुकेश सैनी ने कल फेसबुक लाइव में कहा और कहा कि यह ऑफर लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के कोटे से MLC भी बनाया जाना था, लेकिन हमने इन सब ऑफर को ठुकरा दिया। हमने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर एनडीए पर भरोसा किया, नीतीश कुमार पर भरोसा किया, लेकिन अब मौजूदा वक्त में हमारे साथ क्या हो रहा है वह पूरा प्रदेश देख रहा है, हमारा पूरा समाज देख रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो ताकत बढ़ रही है उस ताकत से भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है, मतलब कि भाजपा
पिछले चुनाव में यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 11 सीट पर हमारे साथ समझौता करती है। यह बात मुकेश सहनी का कहना है और आगे वे कहते हैं कि अगर हमारी ताकत बढ़ेगी तब वे जानते हैं कि भविष्य में 51 सीट पर भी समझौता करना पड़ सकता है और इसीलिए अब हमको परेशान किया जा रहा है और निषाद समुदाय मल्लाह समुदाय के साथ धोखा किया जा रहा है। मुकेश सहनी ये बार बार सहनी समाज पर दाव लगा रहे हैं, मतलब कि मुकेश सहनी एक तरफा अपने समाज की वकालत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि अगर भविष्य की राजनीति करनी है, राजनीति में अब आगे अगर भविष्य में खुद को और अधिक मजबूत करना है तब अपनी जात की वकालत खुलकर करनी होगी और अगर ऐसा करने में मुकेश सहनी सफल होते हैं और उनकी अपनी जाति का एक तरफा जो विश्वास है वो मुकेश सहनी पर हो जाता है तब फिर भविष्य में मुकेश सहनी को राजनीति में सफलता का झंडा बुलंद करने से कोई नहीं रोक सकता और इस बात को हर नेता जानता है। वे चाहते हैं कि उनका समाज उनका एक तरफा समर्थन करे और इसीलिए वे बार बार कह रहे हैं कि निषाद समुदाय के साथ मल्लाह समुदाय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है और जो हमारी अपनी सीट थी वो चाहे विधानसभा सीट उस सीट को हमसे वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हम कमजोर हैं, हमारा वर्ग कमजोर है, इसीलिए हम सबको मिलकर परेशान किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर भविष्य की बात की जाए और मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अगर आगे की राजनीति करते हैं तब निश्चित रूप से इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और मौजूदा वक्त में मुकेश सहनी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार से खुद को दिखा रहे हैं कि उनको राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सताया जा रहा है और खुद को बार बार सहनी समाज मल्लाह समाज का बेटा बता रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनके अपने जाति का जो एक विश्वास है वो उनके ऊपर बढ़ेगा और यह भविष्य में एनडीए के लिए घातक होगा। बाकी अब आगे देखना होगा कि मुकेश सहनी भविष्य की राजनीति के लिए क्या कुछ सोचते हैं और यह तय माना जा रहा है कि अगर एनडीए से बाहर हो जाएंगे तो फिर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे और तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले विधानसभा में मुकेश सहनी से पूछा भी था और कहा था कि आप तो रिचार्ज कूपन है, जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तब आपका रिचार्ज कौन करेगा और कैसे होगा। बाकी अगर आगे मुकेश सहनी की तरफ से कुछ कहा जाएगा तो वह हम आप तक उस जानकारी को जरूर पहुंचाएंगे। अगर आगे कुछ अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी आएगी तो उसे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।